हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। तो आज हम लोग एसटी डेपो जा रहे हैं, कणकवली के नहीं, मुंबई सेंट्रल एसटी डेपो जा रहे हैं। और वहाँ से फिर हम लोग, मतलब मैं अकेला खारघर जाऊँगा। तो इस जर्नी में मैं आपको मेरी मुंबई सेंट्रल बस डेपो से खारघर की बस जर्नी दिखाऊँगा। ये नायर हॉस्पिटल का गेट है, आप लोग देख सकते हो नायर हॉस्पिटल। अभी हम लोग जा रहे हैं मुंबई सेंट्रल बस डेपो की ओर जा रहे हैं, जहाँ से मैं बस लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे ये मराठा मंदिर थिएटर है। ये मराठा मंदिर थिएटर है। और रोड के राइट हैंड साइड तरफ देख सकते हो यहाँ पे मुंबई मेट्रो का काम चल रहा है। मुंबई की जो मेट्रो 3 जो है, अंडरग्राउंड मेट्रो, उसका काम चल रहा है। जो कुलाबा से सिप्स की जो मेट्रो है, उसका ये काम चल रहा है। और हम जा रहे हैं मुंबई सेंट्रल एसटी डेपो की तरफ। तो मुंबई सेंट्रल बस डेपो जाने के बाद जो भी बस पनवेल की ओर जाएगी, बेसिकली पनवेल होकर जाने वाली कोई भी बस मैं कैच करूंगा और वहां से खारघर जाऊंगा। अभी देखते हैं कि वहां पर जाके मुझे कौन सी बस मिलती है और कितना देर मुझे वेट करना पड़ता है मुंबई सेंट्रल एसटी डेपो में। चलिए, तो अभी इसी लेन पर लेफ्ट हैंड साइड पर अपने मुंबई सेंट्रल एसटी डेपो है। तो अभी हम लोग उसी लेन पर हैं। आई थिंक आ भी गया मुंबई सेंट्रल एसटी डेपो। जी हाँ, ये मुंबई सेंट्रल एसटी डेपो का एंट्रेंस है। तो अभी मुंबई सेंट्रल एसटी डेपो में आया हूँ। अभी यहाँ से बस पकड़ते हैं, देखते हैं कौन सी बस मिलती है पनवेल जाने के लिए, खारघर जाने के लिए। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, ये वो बस है मुंबई पनवेल अलीबाग, मुंबई पनवेल अलीबाग, जिससे अब मैं खारघर जाऊँगा। और ये है मुंबई सेंट्रल एसटी डेपो। मैं आपको मुंबई सेंट्रल का एसटी डेपो दिखा दूं। यह मुंबई सेंट्रल का एसटी डेपो। ये और एक बस यहाँ पे लगी हुई है, मुंबई चिखली। मैं ये बस पकड़ूंगा। मुंबई सेंट्रल एसटी डेपो। ये अपनी बस। एक्चुअली ये मुरुड मुंबई बस है, मुरुड मुंबई। ये मुंबई सेंट्रल डेपो से बस बाहर जा रही है अभी। तो आपको बता दूं कि मैंने टिकट निकाली है मुंबई से खारघर 60 रुपये की। तो अपनी जर्नी अभी चल रही है। दोस्तों, दोपहर के 3:40 पर मैंने ये बस पकड़ी है मुंबई सेंट्रल डेपो से। अब देखते हैं कि कितने बजे हम खारघर पहुंचते हैं। हाईकला का खड़ा पारसी ब्रिज, ये खड़ा पारसी स्टैचू। मुंबई से मुरुड की बस है और मुझे लगता है ये 1.25 घंटे में खारघर पहुंचा देगी। तो मेरे हिसाब से बस 5 बजे तक हमें खारघर छोड़ देगी। देखते हैं। बाइकला रेलवे स्टेशन।
परेल में है। यहाँ पर दादर ईस्ट का एसटी का बस स्टॉप आएगा। देखो यहाँ पर ये दादर फायर ब्रिगेड के पास, यहाँ पर दादर ईस्ट का बस स्टॉप एसटी का देख सकते हो। ये है दादर ईस्ट का बस स्टॉप एसटी का। महेश्वरी उद्यान के पास ये फ्लाईओवर पर काफी ज्यादा ट्रैफिक है। सवा चार बजे हैं और अभी भी माटुंगा देखते हैं। मैंने जो बताया था कि 5 बजे तक एक खारघर पहुंचेंगे, वो हम लोग खारघर पहुंचते हैं 5 बजे का नहीं देखते हैं, ये भी 4:15 हुआ है अभी तक माटुंगा में। ट्रैफिक बहुत मिली है यहाँ पे देख। अभी ये बस अंदर जा रही है, अभी सायन का स्टॉप। अब यहाँ पर यू टर्न लेगी। ये सायन का बस स्टॉप है, देख सकते हैं वहाँ पर सायन बस स्थानक। अभी कुर्ला नेहरू नगर के लिए बस अंदर की तरफ मुड़ी है। कुर्ला नेहरू नगर बस डेपो। तो दोस्तों ये है कुर्ला नेहरू नगर बस डेपो। तो 4:35 का टाइम है और यहाँ से बस निकल रही है अभी कुर्ला नेहरू नगर से। तो इस तरीके से ये बस डेपो का ये सराउंडिंग एरिया है और अभी यहाँ से बस निकल रही है। सिंगूर का डायमंड गार्डन।
राइट साइड में मुंबई मेट्रो का काम चल रहा है। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि मेट्रो का काम चल रहा है। सिंगापुर का मैत्री पार्क एसटी स्टॉप ये देख सकते हैं, मैत्री पार्क एसटी स्टॉप है। मैत्री पार्क एसटी तांबा। के 10 मिनट हमारी बस वाशी टोल नाके से, और यहाँ पे बारिश गिरना शुरू हो चुकी है और बस के लाइट्स भी ऑन हुए हैं। बहुत ज़ोरदार बारिश बाहर स्टार्ट हो चुकी है। वाशी का स्टॉप बारिश यहाँ पे बहुत ही जोर से गिर रहा है, जोरों से गिर रहा है। हमने सारे विंडोज बंद कर लिए हैं। नेरुल बस स्टॉप बेलापुर का बस स्टॉप। दोस्तों ये हमारी बस थी और खारघर में हम आ चुके हैं। दोस्तों कुल मिला के 2 घंटे 4 मिनट टाइम ली बस ने। 5:42 को मैं यहाँ पे खारघर स्टॉप पे उतरा, तो अभी यहाँ से ऑटो करके मैं अपने घर चला जाऊँगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।